Hey everyone, what's up? It's me, Nabeel Chahal, and welcome back to our new reaction video. सीन क्या है कि कल रात को हुआ है डिज्नी D23 में मार्वल का एक्सपो, जिसमें बहुत सारी मार्वल की अपकमिंग मूवीज के बारे में बातें की गई हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, जैसे कि एंटमैन एंड द क्वांटम मेनिया का कुछ एक्सटेंडेड सीन दिखाया गया है जो कि कॉमिकॉन में दिखाया था। कॉमिकॉन में मैं आपको बता देता हूँ, वो बेसिकली रिलीज नहीं हुआ हुआ लेकिन वो लीक हो चुका था, तो मैं आपको काफी हद तक बता सकता हूँ कि बेसिकली एंटमैन क्वांटम मेनिया का ये सीन था कि एंटमैन को केन मिलता है और एंटमैन बोलता है कि यू आर हैविंग अ बिग ट्रबल, यू नो आई एम एन एवेंजर। तो आगे से केन बोलता है, हैव आई किल्ड यू बिफोर बिकॉज आई एम केन। तो मेरे ख्याल से उसका एक्सटेंडेड सीन दिखाया गया है इसमें, जिसमें वो बोलता है कि प्रोबेबली ऑल एवेंजर्स डाइज, कि इस टाइप का कोई डायलॉग है कि हर एवेंजर कभी ना कभी तो मरता ही है, तो ये दिखाया गया है। फिर उसमें एको सीरीज की कुछ क्लिप्स दिखाई गई हैं, एको सीरीज के कैरेक्टर्स ने अपना स्पेशल अपीयरेंस दिया था। रॉजर दी ब्रॉडवे से स्टार्ट हुआ था, आई गेस मैंने जो न्यूज सुनी है कि रॉजर दी ब्रॉडवे जो कि हमें देखने को मिला था हॉकआई में, वो पूरा स्टेज शो हुआ था, फिर उसके बाद पूरी प्रेजेंटेशन थी। बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, जैसे कि ब्लैक पैंथर का कुछ सीन्स दिखाए गए हैं, फैंटास्टिक फोर के डायरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया और बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी मैं रिएक्ट करने वाला हूँ मार्वल सीक्रेट वॉर के ऊपर। बेसिकली ये वो ट्रेलर है जो कि पब्लिकली लॉन्च किया गया है, तो इसलिए इस पे हम ऑफिशियली रिएक्ट कर सकते हैं, बाकी जो चीजें वो पब्लिकली लॉन्च नहीं की गई है। एक और चीज पब्लिकली लॉन्च की गई है, वो है वेयरवुल्फ बाय नाइट, लेकिन वो उस पे मैं रिएक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, वो एक स्पेशल होने वाला है किसी एक एपिसोड का, या फिर उसको भी कर देंगे, लेकिन अभी मैं इसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें निक फ्यूरी वापस आ रहे हैं। इसमें मुझे भी निक फ्यूरी याद है वापस आ रहे हैं, एंड आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम लास्ट टाइम हमने निक फ्यूरी को देखा था कैप्टन मार्वल में, मेरे ख्याल से नहीं स्पाइडरमैन में, हाँ, लेकिन वो निक फ्यूरी ओरिजिनल वाला निक फ्यूरी नहीं था, वो टैलोस था जो कि प्रटेंड करा था निक फ्यूरी होने का। तो हमने निक फ्यूरी को लास्ट में हमने देखा था स्पेस में, और मेरे ख्याल से स्पेस में वो कब जाते हैं, एंड गेम में वो इधर होता है अर्थ पे, मेरे ख्याल से कैप्टन मार्वल के एंड में स्पेस में कहीं आए, मेरे ख्याल से स्पाइडरमैन नो वे होम में, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में वो स्पेस में थे, तो अब वो हमें देखने को मिला। अच्छा, एक और ट्रेलर बड़ा मजेदार सा दिखाया गया है वहां पे मिस मार्वल का, और उसमें मिस मार्वल, फोटोन और कैप्टन मार्वल, इन तीनों का जो टीम अप होने वाला है उसके बारे में वो मूवी होने वाली है, और मैंने सुना है कि उसके रिव्यू बहुत अच्छे दिए लोगों ने, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो वाला देखने के लिए ट्रेलर। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो है हमें उससे गुजारा करना पड़ेगा, और ये भी माड़ा ट्रेलर नहीं है भाई, डिज्नी प्लस पे निक फ्यूरी यानी कि सैमुअल जैक्सन आने वाले हैं भाई, और क्या कहिए। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं रिएक्शन की जानिब, बाकी ट्रेलर का लिंक सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लें, देख लिया तो मेरे साथ देखें, एंड वन मोर थिंग सब्सक्राइब कर ले ताकि हम सिल्वर प्ले बटन पर है ना, लेट्स फॉर द माइट रेडी जंप इनटू द वीडियो। For years you've been avoiding Earth, but I have called for your help plenty of other times, and you've been pretty content to let those calls go straight to voicemail. Yeah, well, this is different. How much do you know about your security detail? What do you mean, how much do I know about it? Fury, we gotta be very careful now. You're in no shape for this fight that lies before us. This is just the beginning. The last person standing between them and what they really want. And what is that? I
अच्छा मैं भूल ही गया था एमिलिया क्लार्क के बारे में सीरीज में, क्योंकि मुझे याद है जब ये सीरीज के अनाउंसमेंट हुई थी आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले, तो एमिलिया क्लार्क को तभी साइन कर दिया गया था। एमिलिया क्लार्क को और क्या नाम है यार, जॉन स्नो वाले जो एक्टर थे उनको एट अ टाइम ही इकट्ठे सिलेक्ट किया गया था, उनको भी और तीसरा जो जो जॉन स्नो का भाई होता है जिसने प्ले किया था इटर्नल्स में इक्रिस, इन तीनों को इकट्ठे कास्ट किया गया था। तो बहुत उन दिनों में ना बहुत हाइप हुई थी कि गेम ऑफ थ्रोन की पूरी कास्ट को मार्वल ने उठा ली है, लेकिन काफी टाइम लगा हमें इटर्नल्स तो तभी देखने को मिल गई थी, हमें बहुत देर बाद देखने को मिल रहा है क्या नाम है यार सीक्रेट इन्वेजन बेसिकली सीक्रेट वॉर से पहले की स्टोरी लाइन है इसमें, यानी कि बहुत कुछ होने वाला है जो आगे जाके हमें सीक्रेट वॉर में देखने को मिलेगा। और सीक्रेट इन्वेजन की बेसिकली स्टोरी लाइन ये होती है कि जो है क्री और स्क्रॉल वॉर के बारे में ही ज्यादातर है, लेकिन इसमें अब हमें पता नहीं है कि क्री और स्क्रॉल वॉर के बारे में कितना दिखाया जाएगा, क्योंकि क्री को तो बहुत दिखा दिया गया है, स्क्रॉल को इतना नहीं दिखाया गया, स्क्रॉल को सिर्फ कैप्टन मार्वल में ही दिखाया गया था, और क्री तो मेरे ख्याल से उन्होंने रगड़ रगड़ के खत्म कर दिया। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुझे बेसिकली टीजर था, ट्रेलर नहीं था, इतना कुछ समझ नहीं लगा, इसे एक दो बार देखूंगा और मैं तो फिर मुझे कुछ ज्यादा क्लियर होगा क्या था। ओवरऑल मैं एक्साइटेड हूँ, जब ये आएगी तो ऑब्वियसली मार्वल नर्ड हूँ तो मैं हर चीज देखता हूँ। आई रियली लाइक द ट्रेलर, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये था मेरा रिएक्शन, सब्सक्राइब करें ताकि द सिल्वर बटन एक और आ जाए। एंजॉय योर लाइफ और देखते रहें द बी वर्स। बाय, टेक केयर, पीस।